नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा आप लोग देख रहे हैं माहौल क्या चल रहा है कि 26,744 पोस्ट यूपी कांस्टेबल की आने वाली है। तो जितने लोग भी हैं जो दो वैकेंसी में चूक गए थे वो लोग इस वैकेंसी के लिए आप लोग एलिजिबल हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके 2018 के बाद ये सीधे 21 में आ रही है, तो जितने कंपटीशन जो होगा आपके फ्रेशर कैंडिडेट से होगा। उस समय जो लास्ट में रहा होगा, ठीक है, उसका तो ओवर एज हो गया होगा, और ओवर एज वालों के साथ जो है थोड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है। गवर्नमेंट जो वैकेंसी जो ला रही है वो तो एक टाइम पे नहीं ला रही है, टाइम के बाद ला रही है। इससे क्या हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अभी SI वाले में यही हुआ, पहले फॉर्म फिल करा लिया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ओवर एज वाले बच्चे थे उनके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये एज रिलैक्सेशन जो दिया गया था ओवर एज वालों को, उनको कैंसिल कर दिया गया। तो ये बहुत गलत बात हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तैयारी करना है। और जो भी बच्चे फ्रेशर्स हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो आज ही से लग जाएं, क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम, क्योंकि फॉर्म अगर आ जाता है, इस बहकावे में मत रहिए कि चुनाव आपका मार्च में हो जाएगा, तो मार्च से पहले पहले ये कितने एग्ज़ाम करा लेंगे। अभी SI बाकी है, ASI बाकी है। अगर फॉर्म आपका आ जाता है, फॉर्म आ जाता है तो एग्ज़ाम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे उस समय चुनाव हो चाहे कुछ भी हो। जो चीज़ें नोटिफिकेशन में आ जाती हैं उस पर आचार संहिता का कोई असर नहीं होता है, कोई नया काम नहीं हो सकता। मतलब मार्च अप्रैल में जब चुनाव होने वाला होगा उस समय गवर्नमेंट कुछ नया नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी। इसीलिए गवर्नमेंट जो भी चीज़ें होंगी वो पहले ही जितने नोटिफिकेशन होंगे जॉब के वो सब निकाल देंगे, उनके फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम तो पक्का होना है, जब फॉर्म फिल होगा तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो उसके बारे में कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं, जिनको एकदम नॉलेज नहीं है, एकदम बेसिक्स मैं बताऊँगा कि यूपी कांस्टेबल का फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है, क्या उसकी एज क्राइटेरिया होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, और सबसे बड़ी बात जो आप लोग पूछते हो कि सर कौन सा ये निवास कब का चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए। ठीक है, ये आप लोग अभी से अगर जान जाते हो तो फॉर्म जब आपका आएगा तो बार बार आपको पूछने की, चाहे ये हमेशा पूछने की जरूरत नहीं, सर मेरा 2 साल पहले का है कास्ट चल जाएगा कि नहीं। अरे जब आपको समय मिला है, मैं आज ही बता दे रहा हूँ, आज ही काम वो कर लो, अप्लाई कर दो, कास्ट के लिए अप्लाई कर दो, निवास के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, EWS वाले जितने हो EWS के लिए अप्लाई कर दो। तो अगर आज से कर दे तो आपके पास एकदम नया का नया रहेगा, तो नया तो मानेगा ही मानेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारी ज़रूरत है यूपी कांस्टेबल के लिए, जो यह आगामी भर्ती है उसके लिए हमें बेसिक्स नीड्स क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी पर ही बात करेंगे। फॉर्म डेट क्या हो सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वैकेंसी का फॉर्म जो है, जैसे ही दिवाली की आपकी छुट्टी बीतेगी, मतलब 4 नवंबर की छुट्टियां जैसे ख़त्म होंगी उसके बाद, दिवाली के बाद ये आप लोगों को ऑफर मिलेगा एकदम भयानक वाला। ठीक है, तो दिवाली के बाद ये नोटिफिकेशन आना एकदम तय है। एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करें कि हमें शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए इसके लिए, कॉन्स्टेबल के लिए। तो इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ कक्षा 12 पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हो या उससे रिलेटेड कोई भी समकक्ष डिग्री रखते हो, जैसे कोई 10 के बाद पॉलिटेक्निक कर लेता है तो वो भी एलिजिबल है। किसी भी बोर्ड का हो, चाहे CBSE हो, UP बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, या आप जो होता है ना कि कुछ लोग ड्रॉप कर लेते हैं, घर से बैठ के पास करते हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं। तो वो सभी लोग जो कक्षा 12 के समकक्ष हैं वो सब लोग एलिजिबल हैं, और अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। बस यही है कि अदर स्टेट वाले यूपी के जो आपके स्टेट में जो कास्ट का रिजर्वेशन होता है उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा, एज ए जनरल वो भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, एज की बात कर लें, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है आयु, उम्र वाला, कि एज कहाँ से कहाँ तक लेगा। तो इससे पहले जो 2018 में, देखो वैकेंसी क्यों आनी तय है, क्योंकि पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी कांस्टेबल वाली वो भी नवंबर में आई थी, तो तैयार रहो, नवंबर में आपको एक और ऑफर मिलने वाला है। तो एज में क्या है, एज में जो मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है वो 18 से 22, और ये कब तक, कब लेगा ये जुलाई में, 1 जुलाई 2021 तक आप 18 साल
या 22 साल से तक होना चाहिए, 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो आप 18 की उम्र पूरा कर लिए हो या 22 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कब? 1 जुलाई 2021। तो पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें ये 22 ना होके, देखो ये आयोग का डाटा है कि कांस्टेबल के लिए मेल के लिए 18 से 22 चाहिए, लेकिन पिछली बार वाले वैकेंसी में इसको 22 ना करके 23 कर दिया गया था, इसको 25 नहीं, इसको अपर एज 26 कर दिया गया था। वो सिर्फ न्यायालय के कहने पर किया गया था। तो अगर हो सकता है कि कुछ बच्चे 1 साल के लिए ओवर एज होते हैं तो न्यायालय तक जाएंगे हम लोग, आप लोग भी रहेंगे, ट्यूटर व्यूटर है, ये तो सब करना ही होता है। लेकिन जो बच्चे एकदम इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो हो सकता है कि पिछली बार की तरह 1 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाए। लेकिन अभी हम यही मान के चलेंगे, क्योंकि एज रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है कि एक बार हाई कोर्ट तो फैसला सुना दे रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जब जा रहा है तो वहां पे ये लोग अड़ेंगे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, जैसे एसआई वालों के साथ हुआ। तो वो मान के दिमाग में हमें नहीं रखना, हमें 18 से 22 ही मानना है। कि आप लोग अगर इस एज क्राइटेरिया में फॉलो हो कर रहे हो तो आप लोग फाइट करोगे कॉन्स्टेबल के लिए। फीमेल के लिए 18 से 25 है, ये ध्यान रखिएगा, फीमेल के लिए एज 18 से 25 है, ठीक है। तो महिलाएं भी तैयार हो जाएं पूर्ण रूप से, ठीक है, इस वैकेंसी के लिए। रिलैक्सेशन की बात करते हैं, एज में किसको किसको रिलैक्सेशन मिलता है। भैया देखो, जनरल को कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी क्यों ना हो उसके पास। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सिर्फ आपको मेरिट में रिलैक्सेशन देता है, 10% का कोटा देता है, आपके एज में रिलैक्सेशन नहीं देता है। ओबीसी एससी और एसटी है, ठीक है, तो इनको 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर 25 5 27 साल तक के लोग कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, कौन? ओबीसी एससी और एसटी। और जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 साल, ये इसमें चेंजेस होते रहते हैं, होमगार्ड हैं उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन अपर एज में मिलता है। अगली बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होगा। भाई आपको मैंने बता दिया, ये आप एलिजिबिलिटी है आपके पास है तो आप फॉर्म फिल करोगे। अब मेन बात है कि कैसे करेंगे, तैयारी क्या होना चाहिए, पढ़ेंगे क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे एक नजर डालते हैं हम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहला जो होगा, अखिलेश यादव की सरकार की तरह नहीं है कि आपको 10+2 में जो है नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका जो एक वैकेंसी हुआ था उसमें क्या हुआ था, मेरिट बेसिस पे हुआ था, लेकिन उसके बाद से मेरिट बेसिस वाला नहीं हुआ था। मेरिट में कोई मतलब नहीं है, आप अगर सिर्फ 12 10+2 पास हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे जो है अब क्या हो गया है, प्रोसेस एग्जाम बेसिस पे हो गया है कि आपका पहले एक रिटन एग्जाम होगा जो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब एमसीक्यू होगा। कितने क्वेश्चन होंगे उसमें? 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए, वो तो एग्जाम जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उस समय पता चलेगा, लेकिन चांसेस हैं कि क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा था कि अगर आप गलती करते हैं क्वेश्चन में तो आपके निगेटिव मार्किंग होंगे। अब वो कितने होंगे वो डिपेंड करता है आयोग पे, शायद आपके 0.5 निगेटिव मार्किंग हो, ठीक है। सेक्शन कौन कौन से रहेंगे? जीएस रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और हिंदी रहेगा। ये आपके 4 सेक्शन रहेंगे और 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। 150 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स होगा, ठीक है। ये सब कट ऑफ कितना जाना चाहिए, कितना आप लोग किस सब्जेक्ट में तैयारी करो, ये सब की वीडियो मैं लेकर आऊंगा कि पिछला 2 वैकेंसी जो आपके पिछले हुए हैं 2018-19 वाले, उनमें कट ऑफ क्या रहा है, ठीक है। ये सब मैं जिक्र करूंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक बेसिक चीजें मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद से आप रिटेन जब दे लोगे तो आपका फिजिकल एग्जाम होगा, जितने लोग रिटेन क्वालिफाई करेंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल में क्या क्या आपके पास होना चाहिए वो ध्यान रखो। पहली बात तो हाइट आपकी, ठीक है, हाइट में मेल कैंडिडेट कितना होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। बार बार मत पूछना, एक बार सुन लो यहां से, कि अगर मेल कैंडिडेट को 168 सेंटीमीटर मतलब 5.5 फिट जरूरी है। ये किसके लिए है? जनरल, ओबीसी और एससी, ये तीनों कैटेगरी के लिए है। लेकिन एसटी के लिए ये जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जनजाति वाले लोग हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। वहीं बात करें महिलाओं की, फीमेल के बारे में, तो उनकी हाइट कम रखी गई है, 152 सेंटीमीटर मतलब 4.9 फीट के अप्रोक्स, ठीक है। ये जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है।
एसटी, जो एसटी महिलाएं होंगी, शेड्यूल ट्राइब्स होंगी, उनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं चेस्ट पे, सीना आपका कितना होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो सीना होना चाहिए आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद, क्योंकि कितना मांगता है सीना आपको, कितना फुलाना होता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलने के बाद वो कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। तो 5 सब लोग फुला लेते हैं, तो ये बेसिक आपका होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर का सीना आपका होना चाहिए। और ये 77 जो सेंटीमीटर है वो किसके लिए है, जनरली एसटी के लिए है। ठीक है, ये देखो जो आपका 79 सेंटीमीटर मैंने बताया वो जनरल ओबीसी और एससी के लिए है सीना होना चाहिए, और एसटी के लिए आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसको फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब फीमेल की बात करें तो इसमें चेस्ट का कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें चेस्ट नहीं लिया जाता है, चेस्ट का नाप नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, फीमेल में चेस्ट कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मेल के लिए है। हाँ, इनके लिए एक और अलग से है कि वेट कम से कम इनका मिनिमम कितना होना चाहिए, 40 किलो होना चाहिए, 40 किलो से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे पिछली बार जब कट ऑफ 200 गई थी, 200 ऊपर, ठीक है, 225 के अप्रोक्स गई थी शायद, उसके बाद से फिर से 216 कर दिया गया था उस कट ऑफ को, क्योंकि वहां पे जब बच्चों को लिया गया तो जो आपके रनिंग है उनको ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, बाद में कट ऑफ ने डिक्रीज करना पड़ा, फिर 41,000 वैकेंसी उनको फुल करनी पड़ी थी जो पहली वैकेंसी आई थी, और दूसरी की कट ऑफ ही कम गई क्योंकि पहले ही क्रीम बच्चे क्या हो गए, चले गए पहली वैकेंसी में, तो दूसरी में जनरल की कट ऑफ 185 ही गई थी। ठीक है, तो वो सब जिक्र करेंगे वीडियो में हम लोग। यहाँ पे रनिंग की बात कर लें कि आपकी दौड़ कैसे होगी। ठीक है, फिजिकल में आपकी हाइट चेक होगी, हाइट के बाद आपकी दौड़ होगा, दौड़ क्या होगा, हाइट चेस्ट हो जाएगा, उसके बाद से दौड़ आपका कराया जाएगा। मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब ऑन अप्रोक्स 5 किलोमीटर रनिंग आप लोग शुरू कर दो आज ही से, रोज 5 किलोमीटर रनिंग आज से शुरू कर दो, और कितने टाइम में, 25 मिनट में आपको करना, अगर टाइम में आपने इतना नहीं किया तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है, महिलाओं के लिए यहां पे कम है, सीधे हाफ है, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में इनको दौड़ना है। ठीक है, 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना, ये फीमेल के लिए है। तो यहां पर वर्क आप लोग करना है, स्टार्ट कर दो रिटेन के साथ फिजिकल भी, क्योंकि आपको समय ज्यादा नहीं मिलेगा, रिटेन होने के बाद, एग्जाम आपका होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 1.5 से 2 महीने में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद से हम आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिल करते समय, फॉर्म फिल करते समय चाहिए, जिसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा क्वेरी करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आपका जो है बोला जाए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यूपी से ही हो, मैक्सिमम आपके जो हैं जो जॉब निकलती हैं उसमें निवास प्रमाण पत्र किसी में नहीं मांगता है यूपी वाले कैंडिडेट से, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के जितनी भी वैकेंसी निकली हैं आप लोग फिल किए होंगे, एसआई भी किए होंगे, एएसआई भी किए होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि वहाँ निवास प्रमाण पत्र आप यूपी के हैं तो आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो करना क्या है, देखो पहली बात कास्ट सर्टिफिकेट पे आते हैं, तो ये किसको किसको जरूरी है, ये ओबीसी, एससी और एसटी, ये तीनों के लिए, जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो ये आपका न्यूली होना चाहिए 31 मार्च 2021 से पहले पहले का बना, मतलब 2021, 31 मार्च 2021 का से बाद का बना हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अभी आपके पास टाइम है, अप्लाई कर दोगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 दिन में ये बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, एग्जाम जो आपका नोटिफिकेशन अगर निकलता है फॉर्म का, उसके लास्ट डेट तक आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो 10 दिन में आपका ये काम हो जाएगा और आपके पास न्यूली कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो पुराने वाले को लेकर ये मत पर हो कि चक्कर में क्या है, मेरा वैलिड होगा कि नहीं होगा, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो देखा जाएगा, लेकिन ये मान लो कि अभी आपको ये बनवा के रख लो, कोई आपका ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आने वाला और कोई आपका बुरा ये नहीं कर देगा आप नया बनवा लोगे तो, ऐसा। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग जो अगर बनवाए हो पहले से, क्योंकि आप लोग एसआई भरे होगे तो जाहिर सी बात है नया होगा, अगर नया नहीं है पुराने वाले से भरे हो तो नया बनवा लो, इसी साल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले, इनका तो हर साल बनता ही बनता है, तो अगर इस साल का आपने सर्टिफिकेट बनवाया है तो
तब तो ठीक, नहीं बनवाया तो EWS पे अप्लाई भी मत करना। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लो, अभी टाइम है। वो भी इसी साल का होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। उसके बाद से डोमेसाइल हम करते हैं 10%, ये जो आपके इकोनॉमिक वीक क्लास के आते हैं लोग जनरल में, उनके लिए चाहे जो भी हो। उसके बाद से डोमेसाइल में हम आते हैं तो निवास, जो मूल निवास है आपका, वो भी न्यूली होना चाहिए, नया ही होना चाहिए, इसी साल का होना चाहिए, इसी साल का बना होना चाहिए। और किसके किसके लिए जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र आपको जनरल से बिलोंग कर रहे हो, चाहे OBC से बिलोंग कर रहे हो, चाहे SC से बिलोंग कर रहे हो, चाहे ST से बिलोंग कर रहे हो, सभी के लिए उत्तर प्रदेश का डोमेसाइल जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जो डोमिसाइल है, निवास है, वो सभी लोग बनवा लो। ये 3 दिन में बन जाता है भैया, 3 से 4 दिन में, बहुत आसान है। ई सेवा केंद्र पे जाओ, आराम से अपना सब डॉक्यूमेंट दो, बन के तैयार हो जाएगा। 100 150 200 जो लगेगा, लेखपाल से साइन वाइन मरवा के बात खत्म। ठीक, तो ये आपके जो जनरल चीजें हैं आपके कॉन्स्टेबल बनने के लिए, वो मैंने बता दिया कि आपके एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या रखना है, आपकी हाइट अगर इतनी है तो तैयारी शुरू कर दो। रनिंग नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं है, वो अभ्यास से होगा, उसे आज से शुरू कर दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो फॉर्म करते समय आपको ज़रूरत है वो ये है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मांगा है कि आपके पास ओ लेवल, CCC, फलाने ढिकाने, कुछ भी नहीं है। सिंपल 10 और 12 पास होना चाहिए। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका ये एग्जाम होगा, पहले रिटन होगा फिर फिजिकल होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी पूरी रूप से। अगर जो भी अब इसके बाद भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी उठता है कि अगर आप किसी और चीजों, मैंने तो मैक्सिमम चीजें आपको कवर कराने की कोशिश किया है जितना भी हो सके, इसके बाद भी आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए अपने प्रश्न, उसका जवाब टीम के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।